अमरोहा जनपद के तहसील हसनपुर में सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने सपा छात्र सभा के जिला कार्यकारिणी के विस्तार के मौके पर बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार छात्र नौजवानों का भविष्य खराब करने पर तुली हुई है। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, भाजपा ने रोजगार देने के स्थान पर उनको बेरोजगार करने का काम किया है। समर इंडिया के लिए सैयद नगली से मोहम्मद इस्तेकार की रिपोर्ट। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अनुज त्यागी जी ने हसनपुर विधानसभा ब्लॉक, गंगेत्री ब्लॉक, हसनपुर ब्लॉक और जिले की कार्यकारिणी का गठन किया है। सबसे पहले मैं जो पदाधिकारी हैं उनको मनोनयन का उनको बधाई देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 4 साल के अंदर छात्रों का हनन करने का काम किया है, 4.5 साल की सरकार में गरीब पिछड़े और दलित छात्रों का जो शोषण किया है उस शोषण को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 0 बैलेंस के ऊपर दलित छात्रों के एडमिशन होते थे, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले आगे उसको खत्म करने का काम किया। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर हमारे ऐसे बच्चे थे, गरीब बच्चे थे जो छात्रवृत्ति के कारण पढ़ लेते थे, छात्रवृत्ति से उनकी फीस जमा हो जाया करती थी, पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति को बंद कर कर उन बच्चों को पढ़ाई से घर पर बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जिस तरह से कोरोना काल के अंदर पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठप कर कर पूरे बजट को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो उत्तर प्रदेश की जनता से छुपा नहीं है और 2022 के अंदर ये साबित कर देगी, बता देगी जनता कि जिस तरह से पूरे शिक्षा को ठप कर कर उसका पूरा बजट कोरोना के नाम पर लूटने का काम इस सरकार ने किया है, 2022 में हटाने का काम करेगी। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो।